नमस्कार दोस्तों, क्यूटिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त कैलाश आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने फेसबुक टाइमलाइन पर GIF इमेज किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले GIF इमेज होती क्या है हम ये देखते हैं। जी देखिए, अभी मैंने एक इमेज बनाई है अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर, मैंने पोस्ट की है। यहाँ पे अगर इस इमेज को मैं अगर क्लिक करूंगा तो देखिए, ये दो इमेज या तीन इमेज मिलकर एक इमेज मैंने यहाँ पे कंबाइन की है और एक GIF इमेज बनाई है और अपने फेसबुक टाइमलाइन पे पोस्ट की है। तो दोस्तों, जरूरत क्या है कि हम GIF इमेज किस तरह से पोस्ट करें। देखिए, अगर आप डायरेक्टली फेसबुक के फोटो में जाकर अगर GIF इमेज अपलोड करते हैं तो एक वो स्टैटिक इमेज बन जाएगी और वो इमेज नॉर्मल इमेज की तरह ही दिखेगी, वो इस तरह से चलेगी नहीं। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि GIF इमेज बनाते कैसे हैं और फेसबुक पे किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस इमेज के राइट साइड में यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया होगा, या फिर यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिया गया है तो आप उसको क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे आपको डेली एंड्रॉइड रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड और हैकिंग रिलेटेड बहुत सारी ट्रिक्स आपको शेयर करते हैं, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, चलो देखते हैं कि GIF इमेज बनाते कैसे हैं और वो फेसबुक पे किस तरह से पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम है IMG Flip, यहाँ पे दिया गया है IMG Flip। आप अपने एड्रेस पे बार पे डालिए और एंटर प्रेस कीजिए, उसके बाद ये वेबसाइट्स खुल जाएगी। इसमें बहुत सारी GIF दी गई है, तो हम यहाँ पे पहले सीखेंगे कि GIF इमेज बनाते कैसे हैं। आपको यहाँ पे मेक अ GIF पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक दिया गया है वीडियो टू GIF और इमेज टू GIF। आज हम सीखने वाले हैं कि इमेज टू GIF कैसे बनाते हैं। वीडियो टू GIF हमारी नेक्स्ट पोस्ट होगी कि वीडियो से भी GIF कैसे बनाते हैं, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हम पहले इमेज टू GIF पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इमेज पहले अपलोड कर लेते हैं। तो मैं एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ, अपना लोगो अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद में अपलोड इमेज पे वापस क्लिक करके एक और इमेज अपलोड कर लेता हूँ। वैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है तो हम चाहेंगे कि एक न्यू ईयर का ही पोस्ट हम बनाएं और अपलोड करें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो इमेज अपलोड कर दिए। इस तरह से आप बहुत सारी इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये इमेज यहाँ पे इस तरह से चल रही है, यानी ये इमेज इस तरह से दिखेगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है डिले टाइम। आप डिले टाइम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं डिले टाइम बढ़ा रहा हूँ तो वो इमेज का जो टाइमिंग है एक इमेज से दूसरी इमेज में जाने का वो स्लो हो गया है। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो वो फास्ट हो गई है, तो मैं इसको मीडियम में ही रखूंगा। उसके बाद आता है विड्थ और हाइट। आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं और हाइट भी बड़ा कम कर सकते हैं। बट दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं कि आप 360 पिक्सल से अगर ज़्यादा रखते हैं तो आपको इस इमेज के लिए पेड करना होगा। तो फ्री वर्जन ओनली 360 पिक्सल के लिए ही दिया गया है, तो हम इसका हमारे हिसाब से साइज रख सकते हैं। ठीक है, ये इमेज मैंने यहाँ से कर दी। उसके बाद क्वालिटी दी गई है, 1 इज यहाँ पे बेस्ट दिया गया है, यानी एक जो है वो बेस्ट है। तो अगर आप एक पे यह इमेज रखते हो तो ये बेस्ट क्वालिटी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक बात यह है कि आप जितना ये ज़्यादा रखोगे उतना ही इमेज की क्वालिटी या साइज कम हो जाएगी। और अगर जितना आप इसको कम रखोगे, यानी एक पर अगर रखोगे, तो इस इमेज की क्वालिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन इसका साइज भी बढ़ जाएगा। तो हम चलो इसको हमारे हिसाब से 8 पे रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया एड टू टेक्स्ट टू GIF। यहाँ पे हम इसके ऊपर टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, तो चलो हम अपना चैनल का नाम ही डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम टाइप कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, मुझे जो फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एरियल अच्छा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे एरियल डाल दिया। उसके बाद इस इमेज की साइज भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप चाहो तो टाइप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ से कम कर सकते हो। तो चलो मैं इसका साइज 25 रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चाहिए तो आप यूज ऑल कैप्स भी कर सकते हैं या फिर आपने जैसा टाइप किया है स्मॉल लेटर में स्मॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद अनेबल टू ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज होता है कि आप ये टेक्स्ट इमेज पे कहीं भी डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ डालना है तो यहाँ डाल सकते हो, सेंटर में डालना है तो सेंटर में डाल सकते हो,
आप जैसे भी चाहो वैसे यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं इसको नीचे रख देता हूँ, इसको इस तरह से सेट कर दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों ये है कि हम यहाँ पे हमारा टाइटल डाल सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने हमारा टाइटल दे दिया है और टैग भी आप कुछ भी डाल सकते हो, आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो डाल सकते हो। जैसे कि ये हैप्पी न्यू ईयर का पोस्ट है तो मैंने हैप्पी न्यू ईयर डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली जनरेट टू जीआई बटन पर क्लिक करना होगा और आपकी इमेज प्रोसेस होके आपको दिख जाएगी कि आपको किस तरह से दिख रही है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये अपनी इमेज दिखेगी। इसके बाद इन वेबसाइट का यहाँ पे वाटर मार्क है, हम यहाँ पे फ्री में इसको यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे वेबसाइट का वाटर मार्क दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको प्रीमियम यूजर से इसको इमेज इमेज को बनाते हो, यानी आपको पैसे आप अगर पेड करते हो तो ये आपको यहाँ पे इनका लोगो नहीं दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इमेज की लिंक दी गई है, ये लिंक आप बहुत से दोस्तों को सेंड करके भी आप ये बता सकते हो। उसके बाद बीबी कोड भी यहाँ पे दिया गया है और एचटीएमएल कोड भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद इस इमेज को आप डाउनलोड भी कर सकते हो और किसी को भी सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक शेयरिंग बटन भी दिया गया है, तो यहाँ पर आप अगर फेसबुक पे ये पोस्ट डालना चाहो तो आप फेसबुक पर बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये आपके फेसबुक के टाइमलाइन पर रिडायरेक्ट होगा। यहाँ पे आप चाहे तो आप अपने फ्रेंड को पर्सनल सेंड कर सकते हो, यहाँ पे ग्रुप में भी डाल सकते हो। तो चलो मैं अपने ही टाइमलाइन पर इसको पोस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने अभी अभी बनाया, ठीक है, और हैप्पी न्यू ईयर 2016। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया और मैं शेयर लिंक करूँगा। तो दोस्तों ये सेम इमेज आपके टाइमलाइन पर पोस्ट हो गई होगी। ये देखें अभी जो मैंने पोस्ट यहाँ पे बनाई थी कि मैंने अभी अभी बनाया और हैप्पी न्यू ईयर 2016, तो यहाँ पे ये इमेज बन चुकी है। अब जब कोई भी यूजर या कोई भी व्यूअर होगा वो अगर इस इमेज पे क्लिक करेगा तो उसको आपकी इमेज इस तरह से दिखेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये इमेज डाउनलोड करके भी इस पे अपलोड करते हैं, जैसे कि मैंने डाउनलोड इमेज किया है, और अगर मैं इसको अपलोड करना चाहूँ यहाँ से डायरेक्ट, तो देखिए दोस्तों कि ये अपलोड हो तो हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि आपको ये दिखेगी नहीं कि वो हमने जीआई बनाई है। तो हम ये भी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए ये एक जीआईएफ इमेज है और ये एक जीआईएफ हम जो जो हमने अभी बनाई है। इसको अगर मैं अपलोड करता हूँ तो देखिए ये अपलोड तो हो चुकी है। हम यहाँ पे चलो टैग भी डाल देते हैं और इसको हम ट्राई करते हैं पोस्ट करके। ये जीआईएफ मैंने पहले बनाई थी तो चलो हम जीआईएफ पोस्ट करके देखते हैं। तो मैंने अभी इस पे पोस्ट बटन पे क्लिक किया है और ये देखिए ये जीआईएफ इमेज मैंने पोस्ट की, बट यहाँ पे ये सिंपली स्टैटिक इमेज ही आपको दिख रही है। तो जीआईएफ इमेज जो होती है वो इस तरह से आएगी, इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये चलते हुए दिखेगी। लेकिन अगर आप कोई भी जीआईएफ इमेज डायरेक्टली पोस्ट करते हैं या अपलोड करते हैं फेसबुक पे तो आपको ये नहीं दिखेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये पोस्ट पसंद आई है तो यहाँ पे लाइक बटन दिया गया है वीडियो के नीचे, आप उसको क्लिक करके लाइक बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिए गए हैं तो उसको क्लिक करके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताते हैं। वैसे कई साइट का नेम भी मैंने यहाँ पे दिए गए हैं, तो उस साइट पे भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं और जीआई बना के आप अपने फेसबुक टाइमलाइन या बहुत सारे वेबसाइट पे आप पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये पोस्ट हमारी पसंद आई है तो प्लीज 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 लाइक कीजिए और अपने दोस्तों फैमिली को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।